आज हम बात करने वाले हैं मिनी 16 गुलिया के ऊपर एमआई मेडिसिन इंफॉर्मेशन ए टू जेड चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं मिनी 16 के ऊपर। ये मिनी 16 क्या है, ये गुलिया क्या क्या बीमार का काम करता है, बात करेंगे आज इस वीडियो में, बने रहिए लास्ट तक। तो ये मिनी 16 जो गुलिया है ये मेनली एक बीमारी का ही काम करता है, वो हो गया मेनियर रोग। ये मेनियर रोग क्या है, इसका लक्षण क्या क्या हो सकता है, तो बात करेंगे आज इस वीडियो में। मेनियर रोग जैसे आपका रोग का लक्षण है चक्कर आना, सुनने में परेशानी और सुनने में क्षमता का कम होना, और टिनिटस दबाव, आपको ये सब सार बीमारी आपका ये मिनियर बीमारी का लक्षण है। और ये क्या क्या आपको दिखाई दे सकते हैं, थोड़ा इसके ऊपर में बात करते हैं। मिनियर रोग के लक्षण एपिसोड में शुरू होते ही जो 20 मिनट से लेकर 24 घंटे तक चल सकता है। आपको लगातार कई बार एपिसोड हो सकता है या आपको एपिसोड के बीच में लंबे समय तक सूट मिल सकती है। ये मेनियर रोग का लक्षण है। और ये पहले हो गया मेनियर रोग का मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण है चक्कर आना। आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे दुनिया आपके इधर गिधर घूम रही है, भले ही आप स्थिर खड़े हैं, कुछ लोग को डाप अटैक होता है जिसमें चक्कर इतना गंभीर हो कि वो भी गिर जाते हैं। यह है एक सुनने में परेशानी और सुनने में लक्षण का कम होना। अटैक के दौरान आपको सुनने में परेशानी हो सकती है। शुरुआत में कोई लोग को सांस और पर निचली आवाज़ों सुनने की परेशानी होती है। उपचार के बिना यह स्थिति सुनने की क्षमता कम कर सकती है। यह हो गया दो। तीन, टिनिटस, ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे आपको कानों में से एक बज रहा है। मेनियर रोग से पीड़ित लोग कभी कभी इस ध्वनि को मशीनों की आवाज़ या कान से पास पीस रखने पर सुनाई देने वाली फुसफुसाहट जैसी आवाज़ के समान बटते हैं। और है दबाव, या आपको प्रभावित कान में दबाव या भरपूर महसूस हो सकती है। और इसके अलावा चक्कर आना, उल्टी होना, ये सब आपको लक्षण दिखाई दे सकता है। यही था आज का वीडियो मिनी 16 गुलिया के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए बाय बाय।